नमस्कार, खबर राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। बीते एक सप्ताह में प्रदेश में मौसम अपने कई रंग दिखा रहा है। शीतलहर के चलते सर्दी का सितम बढ़ रहा है। बांसर की बहू मनीषा देवी को मुख्यमंत्री ने किया सम्मान। गांव के मुखिया चुनने के लिए मतदान केंद्रों पर दिन भर उमड़ी रही भीड़। तो चलिए खबरें अब विस्तार से। बीते एक सप्ताह से प्रदेश में मौसम अपने कई रंग दिखा रहा है। कभी शीत लहर, घने कोहरे के चलते सर्दी का सितम बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर अचानक धूप निकलने से लोगों को सर्दी से राहत मिलती नजर आ रही है। बीते 48 घंटों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी के चलते लोगों को कड़ाके की सर्दी से राहत मिली है। बीते 72 घंटों में जहां दिन का तापमान करीब 4 से 5 डिग्री तक बढ़ चुका है, तो वहीं रात के तापमान में भी करीब 3 से 4 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिसंबर के मध्य से शुरू हुई कड़ाके की सर्दी से अब लोगों को राहत मिलती नजर आ रही है। करीब 1.5 महीने तक प्रदेशवासियों को कड़ाके की सर्दी ने सताया। इस दौरान प्रदेश के 4 जिलों में जहां रात का तापमान माइनस में पहुंचा, तो वहीं दिन के तापमान करीब 15 से 16 डिग्री तक पहुंचने से लोगों की कपकपी छूट गई। जयपुर में तो सर्दी ने अपने 55 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए रात का तापमान 1 डिग्री दर्ज किया, लेकिन जनवरी खत्म होते होते अब मौसम बदलने लगा है और लोगों को कड़ाके की सर्दी से राहत मिलने लगी है। बीते 72 घंटों से दिन रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। दिन के तापमान में करीब 4 से 5 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज हुई, तो वहीं रात के तापमान में करीब 3 से 4 डिग्री बढ़ोतरी दर्ज की गई। तीखी धूप निकलने से लोगों को सर्दी से राहत मिली, साथ ही शीतलहर और कोहरे का प्रकोप भी कमजोर पड़ने लगा है। बीते दिनों की बात करें तो रात के तापमान में लगातार बढ़ोतरी रही। बीती रात प्रदेश के कई जिलों में रात का तापमान हल्का गिरा, लेकिन इसके बाद प्रदेश में रात का औसत तापमान 6 से 7 डिग्री दर्ज किया गया। अजमेर में 9.5 डिग्री, वनस्थली में 5.4 डिग्री, जयपुर में 7.4 डिग्री, पिलानी में 5.4 डिग्री, सीकर में 5 डिग्री, कोटा में 8.5 डिग्री, बूंदी में 8.5 डिग्री, डबोग में 10.2 डिग्री, बाड़मेर में 9.7 डिग्री, जैसलमेर में 8.2 डिग्री, जोधपुर में 9.2 डिग्री, फलौदी में 9 डिग्री, बीकानेर में 7.3 डिग्री, चूरू में 5.7 डिग्री, गंगानगर में 7.4 डिग्री रात का तापमान दर्ज किया गया। रात के साथ ही दिन के तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बीते दिन प्रदेश के सभी जिलों में दिन का तापमान करीब 21 डिग्री के पार दर्ज किया गया था। जयपुर में भी बीते दिन का तापमान 22.4 डिग्री पर पहुंच गया है। नारायणपुरा कस्बे के अलवर रोड नारायणपुरा में स्थित श्रीमती हेमलता मेमोरियल गर्ल्स पीजी कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत 7 दिवसीय शिविर का शुभारंभ गुरुवार को किया गया। इस शिविर में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेविकों ने सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष में महाविद्यालय परिसर की साफ सफाई की गई एवं सुभाष चंद्र जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय की छात्राओं की विभिन्न टीमों ने शहरी जीवन एवं ग्रामीण जीवन पर आधारित वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें छात्राओं ने शहरी जीवन एवं ग्रामीण जीवन पर अपने विचार रखे। वाद विवाद एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान करने वाली छात्राओं को महाविद्यालय की ओर से सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर छात्राओं ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है जो राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से जुड़कर समाज सेवा एवं देश सेवा के लिए तथा स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए प्रयासरत हैं। सभी क्षेत्र के लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि अपने आसपास की सफाई करनी चाहिए एवं कचरे को डस्टबिन में ही डालें। इस मौके पर महाविद्यालय निदेशक शिशुपाल यादव, कार्यक्रम प्रभारी मनोज चौधरी, सत्यवीर यादव एवं कमलेश सैनी, सुनील कुमार शर्मा, अशोक यादव, सुनीता यादव सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद थी। वाद विवाद चल रहा है और एनएसएस शहरी योजना चलाई जा रही है, यहाँ पर ग्रामीण प्रतियोगिता चलाई जा रही है। यहाँ पर हम सभी मिलकर एक साथ सफाई की और यहाँ पर 2020 में शिविर योजना, आज हम सभी मिलकर एक साथ सफाई की और यहाँ पर सभी पेड़ पौधों के एक साथ सफाई करके सभी मिलकर एक साथ किए, सब में एकता बनी रही और सभी में सब ने भागीदारी निभाई है। सभी में यहाँ पर प्रथम स्थान देते स्थानीय हमें सभी को दिया गया और उन्हें उसे प्रतियोगिता में इनाम देकर उसे पेट किया गया, सम्मानित किया गया। स्वच्छ भारत अभियान अलवर जिले के बांसुर में मासिक धर्म से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने के लिए महिलाओं को जागरूक करने के लिए महिला VLI मनीषा देवी एवं उत्कर्ष स्वयं
सहायता समूह के सचिव तरुणा देवी दोनों को राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया गया। यह अवार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर द्वारा शासन सचिवालय जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार अशोक गहलोत द्वारा प्रदान किया गया। इस मौके पर मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड सुरेश चंद्र एवं नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के समस्त अधिकारीगण एवं बैंकर्स उपस्थित रहे। मनीषा देवी द्वारा बांसुर कस्बे में उत्कर्ष स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को स्त्री स्वाभिमान के लिए महिलाओं को जागरूक किया और कई सामाजिक कार्य भी किए। मनीषा देवी एवं तरुणा अग्रवाल द्वारा 10 महिलाओं को संगठित कर उत्कर्ष स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया। समूह को गठित हुए 34 माह हुए हैं। इस दौरान समूह द्वारा सैनिटरी नैपकिन यूनिट, एलईडी बल्ब यूनिट की स्थापना कर समूह की महिलाओं को रोजगार प्रदान किया। साथ में स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी गांव की महिलाओं से मासिक धर्म से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। साथ में चुप्पी तोड़ो सयानी बनो मुहिम को गांव गांव तक पहुंचाया। संस्था सचिव गोकुल सैनी ने बताया कि संरक्षक गिरिराज सैनी के नेतृत्व में बांसुर ब्लॉक बोर्ड में नाबार्ड के सहयोग से 300 स्वयं सहायता समूह का संस्था द्वारा गठन किया गया है। नाबार्ड द्वारा महिला सशक्तिकरण एवं जागरूकता अभियान के लिए उत्कर्ष स्वयं सहायता समूह द्वारा किए गए प्रयासों के लिए राज्य स्तरीय सम्मान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदान किया गया। इसके लिए युवा जागृति परिवार की ओर से नाबार्ड का एवं मुख्यमंत्री हृदय से आभार व्यक्त कर मनीषा देवी की इस उपलब्धि पर विभिन्न संगठनों में महिला मंडल, नारी शक्ति फेडरेशन, नाबार्ड एवं नेहरू युवा केंद्र अलवर, CAAC ई गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड की टीम ने बधाई दी। प्रागपुरा कस्बे के सुभाष चौक मुख्य बाजार में समाज सेवी कैलाश बिड़ला के नेतृत्व में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर फूल माल्यार्पण कर हर्षोल्लास के साथ जयंती मनाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने जंगे आजादी के महान क्रांतिकारी स्वतंत्र सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए तथा नेताजी का स्मरण कर उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। समाज सेवी कैलाश बिड़ला ने कहा कि नेताजी के मूल्य एवं सिद्धांत युग युगांतर तक संपूर्ण देशवासियों को दिशा दृष्टि देते रहेंगे। बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने भारत माता तथा सुभाष चंद्र बोस अमर रहे के नारे लगाकर बाजार में लड्डू का प्रसाद वितरण किया, जिससे बाजार नेताजी के नारों द्वारों गुंजामन हो गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता शिम्बू दयाल हाडिया ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन कर नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस अवसर पर पप्पू स्वामी, गोवर्धन दास, मदन स्वामी, ज्ञानचंद टेलर, अब्दुल मजीद, कैलाश सेन, राजेश हाड़िया, रिजवान कुरेशी, अजय सैनी, राजेंद्र प्रसाद सैनी, सीताराम सिंघल, इरफान कुरेशी, छाजू चौधरी, रामजीलाल मुलोदिया, कालू सेन सहित बहुत ग्रामीण मौजूद रहे। सोजत पंचायतीराज चुनाव के तहत सोजत क्षेत्र में गांव की सरकार मुखिया बनाने के लिए बुधवार को निर्वाचन विभाग द्वारा 38 ग्राम पंचायतों में मतदान करवाया गया। अपने चहितों को पंच व सरपंच बनाने के लिए सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ उमड़ने लग गई है। सोजत क्षेत्र में लगभग 70% मतदान कर मतदाताओं ने चहेते उम्मीदवारों को वोट दिया। मतदान के दौरान कई केंद्रों पर धीमी गति से मतदान होने तो कई केंद्रों पर बिजली की व्यवस्था नहीं होने से लोगों में रोष रहा। वहीं जिन केंद्रों पर धीमी गति से मतदान हुआ वहां पर देर शाम तक बूथों पर कतारें लगी रहीं। अपने चहेते उम्मीदवारों को सरपंच बनाने के लिए कार्यकर्ता दिन भर आसपास से मतदाताओं को लाने में व्यस्त हो रहे थे, वहीं घरों से आराम कर रहे थे। बुजुर्ग, बीमार सहित दिव्यांगों को भी मतदान केंद्र पर लाकर लोकतंत्र के पर्व में उनकी भूमिका अदा करवाई। वहीं इस बार दूसरे प्रदेश में नौकरी व्यवसाय कर रहे लोगों ने भी चहेते उम्मीदवारों को जिताने हेतु अपने गांव आकर मतदान किया। कुछ केंद्रों पर फर्जी मतदान को लेकर समर्थकों में आपसी वाद विवाद के बावजूद क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। शाम को मतगणना के दौरान समर्थकों केंद्रों के बाहर शोर शराबा करते रहे। वहीं विजेताओं की घोषणा के बाद भी समर्थकों ने विजेता सरपंचों का बहु मानकर विजय जुलूस निकाला। छिपा बड़ोत विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर के तत्वादन में एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में विशाल बाल शक्ति पथ संचलन किया गया। पंथ संचलन दोपहर 12 बजे धान मंडी से प्रारंभ होकर कस्बे के मुख्य मार्गों से होता हुआ आदर्श विद्या मंदिर ढोलम रोड पर पहुंचा, जहां पंथ संचलन का समापन किया गया। पंथ संचलन में विद्यालय के हजार छात्र छात्राएं विभिन्न प्रकार की झांकियों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए घोष वादन के साथ आगे बढ़ रहे थे।
इस दौरान सेवा भारती, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय विकास परिषद, जन जागृति मंच आदि संगठनों का भी सहयोग रहा। वहीं पंथ संचलन मार्ग में कस्बे वासियों ने कई जगहों पर स्वागत द्वार लगाए और फूलों से स्वागत किया। कार्यक्रम के चलते छात्र छात्राओं में बड़ा उत्साह देखने को मिला। वहीं संचलन मार्ग पर थानाधिकारी राम अवतार शर्मा के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों ने व्यवस्थाएं संभाली। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे और खबरें देखने के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार।